It's time for you to get married. At least tell me if you like someone. I will marry you with that girl. To like it or not to like it, there is nothing like that. Now I have to go to the farm. I have piled up work today. I also asked the laborers to come quickly. They would have come by now. Well, I'm not talking about today. You must get married for the next moment. I have no more patience to do all these things for you. Well, Mom, I'm going now. We'll talk about this later. Raj goes to the farm to take care of a heaping work. In the meantime, Raj's aunt comes there. Kalavati, you came early. Is all the work done at home? Of course, my daughter-in-law is at home. She takes care of all the work. She does not allow me to do anything at home. You are lucky, Kalavati. Your son is younger than my son, but you still got him married. Now look at the work at home. I don't have a daughter-in-law also. No, you can marry your son after seeing a good girl. There is a relation which I know in Bilaspur. The girl is very good. She is also very beautiful. Why don't you ask Raj to go and see her once? In Bilaspur? Isn't it too far? Kalavati, why do we have to go so far? Because we want a beautiful and humble girl for your son. Why don't you ask Raj to go and see the girl? I am sure Raj will like her. Yes, yes, you're right. Raj comes home that evening after finishing the farm work. Son, the farm work will get completed within 2 or 3 days. Just go to Bilaspur for my sake. What, Mom? You want me to go that far? What work is there? कुछ नहीं बेटा, बस आज देर हो रही थी तो वही रास्ते में अपने दोस्त के घर ठहरा आया हूँ, क्योंकि रात का समय था। तुम चिंता मत करो, बहुत रात हो चुकी है, अब सो जाओ, बाद में कोलू। कोई तो गड़बड़ लग रही है, सुबह इसका पता लगाना पड़ेगा। वैसे संदीप दोबारा वही अपनी जगह पर चला जाता है और उस गोल्डन बकरियों का इंतजार करने लगता है। अगर आज ये गोल्डन बकरियां आएंगी तो मैं भी इनके साथ उसी दरवाजे के अंदर चला जाऊंगा। वैसे कुछ टाइम गुजरने के बाद वही दरवाजा प्रकट हो जाता है और वही गोल्डन बकरियां निकलती हैं दूसरी साधारण बकरियों को ढूंढने के लिए। संदीप उनका वेट करता है और फिर से वो गोल्डन बकरियां कुछ और बकरियों को सोने में बदल कर वापस जा रही होती हैं। संदीप भी जल्दी से उस दरवाजे की तरफ भागता है और उसके अंदर चला जाता है और संदीप उनकी गोल्डन दुनिया में पहुंच जाता है। वहां पर वो देखता है तो वो सारी बकरियां सोने की होती हैं। वो रानी बकरी उसे देख लेती है और वो संदीप से, ए मानव, तुम यहां पर कैसे आए हो? जल्दी से यहां से चले जाओ, नहीं तो तुम यहां पर कुछ समय बाद खुद ही कैद होकर रह जाओगे। मैं अपनी बकरियों को यहाँ से लिए बिना नहीं जाऊँगा। तुमने कल मेरी बकरियों को सोने में बदल दिया था और यहाँ पर तुम उन्हें ले आए हो। कृपया करके मुझे मेरी बकरियाँ लौटा दो। मेरा घर का पालन पोषण उन्हीं की वजह से चल रहा है। तुम्हें तुम्हारी बकरियाँ अब वापस नहीं मिल सकती हैं, क्योंकि मुझे और भी 1000 बकरियाँ चाहिए एक युद्ध पर जाने के लिए। और वहाँ पर गोलू बहुत टाइम से अपने पिता संदीप का वेट कर रहा होता है। आज तो पिताजी भी नहीं आ रहे हैं, कहीं पिताजी किसी मुसीबत में तो नहीं है, मुझे जल्दी से जाना होगा। बाद में गोलू अपने एक दोस्त दीपक के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है और वो उसी जंगल में चले जाते हैं। पिताजी को हर जगह पर ढूंढ लिया है लेकिन वो तो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। अब क्या करें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। वहीं वो ऐसे बातें कर ही रहे थे तभी गोलू का दोस्त दीपक उन गोल्डन बकरियों को आते हुए देख लेता है। अरे गोलू, तुमने तो सच कहा था, वो देखो गोल्डन बकरियां, लेकिन ये तो एक दरवाजे के अंदर जा रही हैं। चलो इनके साथ ही चलते हैं। गोलू और दीपक भी भागते हुए उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। वैसे बाद में जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि गोलू का पिता संदीप भी वहीं पर कैद होता है। दीपक बहुत डर जाता है। अरे गोलू, ये तो तुम्हारे पिताजी यहाँ पर कैद हैं।